है तो भाई कैसे ना कोई बड़ा सरप्राइज दे। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम बीते दिनों रविवार की रात सोनी टीवी पर लाए जाने वाले शो द इंडियन आइडल सीजन 11 के सेट पर हुई बड़ी ही आलीशान शादी की। वो ऑन स्क्रीन शादी की हम बात कर रहे हैं जहां बॉलीवुड की फेमस प्लेबैक सिंगर नेहा कक्कर दुल्हन बनकर सज धज कर थी तैयार, तो उनके अपोजिट उनके हस्बैंड बनकर लाइफ पार्टनर बनकर सात पैरों के बंधन में बंधने के लिए तैयार हुए दिग्गज सिंगर उदित नारायण के इकलौते बेटे आदित्य नारायण, जो कि शो के हैं एंकर शुरुआत से ही। एंकर और होस्ट की मोहब्बत तो सुनी होगी आपने, लेकिन एंकर और यहाँ जज की मोहब्बत पहली बार टीवी टाउन के किस रियलिटी शो में इस तरह देखने को मिली कि ये प्यार और मोहब्बत का सिलसिला शादी तक में तब्दील हो गया। जी हाँ, आदित्य और नेहा के ये प्यार के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इनके रिश्ते को पति पत्नी का नाम दिया गया सीजन 11 के सेट पर, जिसकी वजह से शो की टीआरपी लगातार बढ़ती ही चली गई। तो नेहा कक्कड़ की शादी में उनके परिवार वाले भी शरीक हुए। नेहा कक्कड़ की इस ऑन स्क्रीन शादी में उनके भाई टोनी कक्कड़ ने अपनी बहन को दिया बड़ा सरप्राइज, गाना गाते हुए उन्हें दिया आलीशान तोहफा। तो वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ। मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ डिटेल इन्फॉर्मेशन नेहा आदित्य की शादी की, जिसके बारे में जानकर यकीनन आपको लगेगा झटका। नेहा आदित्य रियल लाइफ में कपल कभी भी नहीं थे, लेकिन ये दोनों रियल लाइफ में पति पत्नी बनकर एक दूसरे के साथ इस ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फुल ऑन मस्ती के साथ एंजॉय करते नजर आए, जिसके कारण इनका रिश्ता लगातार सुर्खियों में रहा। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट इनकी शादी के खास मौके का। वेल, इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं आप सभी के बीच आदित्य नारायण के बारे में और नेहा कक्कड़ के बारे में। शादी के मंडप पर दुल्हन बनकर नेहा कक्कड़ जब नजर आई, तो वहां पर उनके भाई टोनी कक्कड़ ने उन्हें गाना गाकर किया सरप्राइज। और ये सरप्राइज गिफ्ट नेहा कक्कड़ के लिए उनके भाई टोनी कक्कड़ लेकर आए थे। सरप्राइज गाना गाने का उनका ही प्लान था, और वो गाना कोई और नहीं, रिसेंटली रिलीज हुआ गाना गोवा बिश था, जिसमें नेहा आदित्य के साथ परफॉर्म करते नजर आई। फिर क्या, अपने भाई को देख वो खूब नाची, अपने पति ऑन स्क्रीन पति आदित्य नारायण के साथ, तो टोनी ने भी जीजा आदित्य का स्वागत किया स्टेज पर कुछ इस तरह से। सोशल मीडिया पर तस्वीरें जो वायरल हैं, ये देखकर आपको इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि इस तरह से सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हो रही हैं। सात फेरे ले लिए इन्होंने, वायरल हो गई हैं शादी की खबरें, जिसके कारण संगीत सेरेमनी का खास परफॉर्मेंस जो देखने को मिला, दूल्हा दुल्हन जो सिंगर थे दोनों ने गाना भी गाया। नेहा आदित्य की शादी का वो टेलीकास्ट होने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था, जो बीते रविवार को हुआ। इस शो की शादी के चश्मदीद विशाल ददलानी और हिमेश रेशमिया भी बने, जो टोनी कक्कड़ के सामने नेहा और आदित्य की शादी ऑन स्क्रीन कराते हुए नजर आए। बाराती भी पहुंची, बारात में पहुंचे यहाँ पर तमाम शो के मेंबर्स और शो के कंटेस्टेंट्स ने गाना गाकर किया इनका स्वागत। नेहा को खींचते हुए आदित्य देखिए कैसे अपने करीब ला रहे हैं, दोनों जब डांस परफॉर्म कर रहे हैं देख ही सकते हैं आप, टोनी भी कितने खुश नजर आए हैं। सुना आपने, जाना आपने किस तरह से टोनी अपनी बहना की ऑन स्क्रीन शादी में शरीक होकर एक भाई वाला फर्ज निभाते नजर आए, और इस मस्ती भरी शादी का हिस्सा टोनी कक्कड़ भी बने, और टोनी कक्कड़ के साथ नेहा ने शादी को कैसे अपनी फैमिली वालों के बीच आदित्य के साथ इस ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को एंजॉय की, और कैसे यहाँ ऑडियंस से लेकर शो के होस्ट, शो के जज से लेकर शो के बाकी क्रू मेंबर्स और साथ में शो के सब कंटेस्टेंट्स ने पुरान एंजॉय किया, ये हमने आपको बताया। वक्त हो गया है आपसे अब यहीं पर इजाजत लेने का। टीवी की हर खबरों के लिए, एंटरटेनमेंट के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9।